चलिए रेसिडेंशियल स्टेटस में आना है, पेज नंबर 36, इलस्ट्रेशन नंबर 9। बोलिए क्या प्रॉब्लम है आपको। 2015 और 16 में कंफ्यूजन था, क्या था? चलिए ये वाला फिर से कर ही लेते हैं एक ही बार में। और जबकि सर हम लोग का आज को पहला दिन आया है तो उनको भी हेल्प आउट हो जाएगा, ठीक है? कि हम लोग को क्या करना चाहिए कि कोई भी एक इंसान को हम लोग जब भी टैक्स पेमेंट कर रहा है, फिर से नॉर्मल में ही आते हैं कि जब भी हम लोग को इनडायरेक्ट टैक्सेशन पेमेंट करना रहता है, हम लोग को क्या करना रहता है, फर्स्ट स्टेप में रेसिडेंशियल स्टेटस चूज करना रहता है। रेसिडेंशियल स्टेटस चूज करना रहता है। अगर आप लोग ने रिटर्न फाइल किया होगा, जो कि आपने किया होगा, इनकम टैक्स में आपको पूछा जाता है कि वेदर यू आर अ रेसिडेंट इन द प्रीवियस ईयर और नॉट, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट आपको पूछा जाता है। तो रेसिडेंशियल स्टेटस पूछने का बाद ही हम लोग स्लैब दूसरा कौन सा रेट में आ देंगे, सेकंड में हम लोग कौन सा रेट लगेगा, क्या क्या आपका इनकम होगा, वो हम लोग डिसाइड कर रहे थे। तो रेसिडेंशियल स्टेटस अभी हम लोग सीख रहे थे। तो रेसिडेंशियल स्टेटस में आपका बेसिक कंडीशंस था और एक एडिशनल कंडीशंस था। बेसिक कंडीशन दो था। बेसिक कंडीशन में पहला क्या था कि अ पर्सन नीड टू स्टे इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज इन द प्रीवियस ईयर, ठीक है? सेकंड में यह क्या था, और बेसिक कंडीशन में दोनों कंडीशन फुलफिल करना जरूरी नहीं था। आइदर आप पहला वाला कंडीशन फुलफिल करिए और सेकंड वाला कंडीशन फुलफिल करिए। इसमें क्या था, मोर देन 62 डेज इन द प्रीवियस ईयर और या एंड था, एंड मोर देन 365 डेज आउट ऑफ 4 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स, इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स। ये दोनों देखने के बाद हम लोग क्या कंफर्म कर लेता है, वेदर दैट पर्सन इज अ रेसिडेंट और नॉट रेसिडेंट। ये बेसिक कंडीशन से हम लोग क्या फुलफिल करेगा, वेदर दैट पर्सन इज अ रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। एडिशनल कंडीशन में भी मेरा दो था कि आउट ऑफ 10 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर I have to stay in India for 2 or more years. Fir, and 735 out of 7 years in the immediately preceding previous year. तब जाके हम क्या होगा, ordinary resident तो already था, यहां से decide हो गया था, I will be ordinary resident or resident and not ordinary resident. ऑर्डिनरी मतलब मामूली इंसान है, रेसिडेंट है और ऑर्डिनरी रेसिडेंट है हम। बेसिक कंडीशन से हम ये डिसाइड कर पाए कि वेदर आई एम अ रेसिडेंट और नॉट रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट होने से तो ये बात ही अलग हो गया, रेसिडेंट होने से हम लोग इस स्टेज में आएंगे। स्टेज में आके हम लोग डिसाइड करेंगे कि वेदर आई एम अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ये डिसाइड करने का मतलब क्यों होता है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट में ऑल इनकम शुड बी टैक्स्ड इन इंडिया, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में ओनली इंडियन इनकम शुड बी टैक्स्ड इन इंडिया, और ग्लोबल इनकम जो बाहर का इनकम होता है वो आउटसाइड इंडिया ही टैक्स लगेगा, ठीक है? हम लोग इतना समझ गया, बेसिक कंडीशन आपको आ गया आइडिया, ठीक है? अभी आपका क्वेश्चन कौन सा था, इलस्ट्रेशन 9। चलिए
इलस्ट्रेशन 9 में क्या है, आपको बोला गया कि कौन है, एक फॉरेन सिटीजन है। फॉरेन सिटीजनशिप अभी हम लोग ने पहले ही समझ लिया था कि सिटीजनशिप मैटर नहीं करता है, ठीक है, दिस इज अ इंडिविजुअल, हो गया, रिसाइड्स इन इंडिया, तो इंडिया में रह रहा है इन द प्रीवियस ईयर 20 to 23, तो प्रीवियस ईयर कौन सा है आपका 20 to 23, नंबर ऑफ डेज इज हाउ मच 83, ठीक है, आपको क्या करना है, डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द प्रीवियस ईयर 20 to 23, एज्यूमिंग हिज स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द लास्ट प्रीवियस ईयर आर एज फॉलोस, दे दिया है, ठीक है। तो आपको पहले मेरा बेसिक कंडीशन मुझे चेक करना है वेदर ही इज अ रेसिडेंट और नॉट, तो बेसिक कंडीशन हमको फुलफिल करना है। बेसिक कंडीशन में दो कंडीशन था, वन इज मोर देन 182 डेज इन द प्रीवियस ईयर, 365 इन द इमीडिएटली प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर में तो वो 180 डेज रहा है, वेदर ही इज स्टेइंग इन द प्रीवियस ईयर, ये 182 डेज वाला जो मेरा कंडीशन था, वेदर इट इज फुलफिलिंग और नॉट, वेदर द पर्सन इज फुलफिलिंग और नॉट, नहीं कर रहा है, ये 182 डेज से तो कम रहा है, तो पहला बेसिक कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। तो यहां पे था और, तो हम ये वाला छोड़ दिया, सेकेंड वाला में आ गया। सेकेंड वाला में क्या था कि 60 डेज इन द प्रीवियस ईयर है, फुलफिल कर लिया, फिर एंड था, एंड इमीजिएटली प्रीसीडिंग फोर इयर्स में मुझे 365 डेज रहना था, तो यहां पे 21 में आएगा और फिर 1920, 1890, दीज आर माई इमीजिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स, ठीक है। इसमें अभी हम मुझे क्या देखना है कि हम 365 डेज से ज्यादा रह रहा है कि नहीं रह रहा है, तो आपको 1819 बताइए, 1819 में कितना दिन रहा है हम, 121, 1819 में 121 है, और इसमें क्या है आपका, ठीक है, फिर उसके बाद 1920 में हम 175 डेज रह रहा है, 175 डेज अगर रह रहा है, यहाँ पे आ गया 175, फिर 2021 में 15 डेज 67 डेज, तो मुझे इधर में टोटल कितना मिल रहा है 379, ठीक है आपका, यहाँ पे हो गया 8 होना चाहिए, 175 यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 8 होना चाहिए, 378 रहना चाहिए, तो 375 ये भी फुलफिल कर दिया, ये वाला कंडीशन और ये वाला भी फुलफिल कर दिया, तो दिस पर्सन इज अ रेसिडेंट। अभी मुझे करना है ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए फिर से मेरा कंडीशन दो है था, फर्स्ट कंडीशन इज 2 out of 10 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर एंड है, यहाँ पे दोनों ही कंडीशन आपको फुलफिल करना पड़ेगा। इसमें क्या था आपका 735 out of 70, ठीक है। तो अभी हम लोग को देखना है, हम लोग ने आउट ऑफ 4 प्रीसीडिंग ईयर तो देख लिया, तो अभी हम लोग एटलीस्ट 7 प्रीसीडिंग ईयर तो पकड़ना ही पड़ेगा, तो पकड़िए अभी 1718 आ जाएगा। 1718 में क्या है आपका, कितना है 310 डेज, इसी का साथ कंटिन्यू करते चलेगा, फिर बाद में आपका 1617। अभी भी यहाँ पे क्यों क्या कर रहे हैं हम लोग, आगे क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि मेरा यहाँ पे 735 हुआ नहीं है, हाँ, तो यहाँ पे अभी हम मुझे 1617 जाना पड़ा, 265। तो यहाँ पे आप अगर इमीडिएटली प्रीसीडिंग 7 ईयर्स देखेंगे, 3678 प्लस कितना हो जाता आपका 688 प्लस 265 इज योर हाउ मच 3
9, 9:53। तो 9:53 अगर होता है तो ये वाला कंडीशन फुलफिल कर दिया, और टू प्रीवियस ईयर में आप रेसिडेंट है कि नहीं ये देखना पड़ेगा। तो टू प्रीवियस ईयर, तो 10 साल में आप 2 साल 180 डेज से ज़्यादा रहा है कि नहीं। यहाँ पे क्या बोला है, आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर यू शुड बी एटलीस्ट रेसिडेंट इन एनी टू प्रीवियस ईयर। तो आपको देखना है हम एनी टू प्रीवियस ईयर में 180 डेज से ज़्यादा रहा है कि नहीं। रहा है तो आई एम अ दैट एक्स पर्सन इज अ रेसिडेंट, एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, 15-16 में क्या प्रॉब्लम था आपको, जो 15-16 तो मुझे कंसिडर करना ही नहीं पड़ा, आपका क्या प्रॉब्लम था? नो, 15-16 में नॉन रेसिडेंट कैसे आ गया? तो 15-16 में वो कौन है अभी, 130, उसको कितना दिन रह रहा है, 137 डेज रह रहा है। तो अगर 137 डेज रह रहा है वो इंसान, तो वो क्या है? यहाँ तक तो मुझे कन्फ्यूजन नहीं है, इसमें रेसिडेंट है, इसमें रेसिडेंट है, इसमें रेसिडेंट है, इसमें रेसिडेंट होने का बाद में इसमें रेसिडेंट कैसे आ गया? आपको बोलने, आप अगर बोलेंगे कि यहाँ पर हाँ ग्रेटर देन 60 डेज और ठीक है, तो ये वाला इसमें तो जो 15-16 था वो तो फुलफिल नहीं कर रहा था। कि 15-16 में क्या है आपका, 15-16 में वो कितना दिन रहा है, 137 डेज। पहला बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं किया, सेकंड कंडीशन में आपका ये फुलफिल कर रहा है, 60 डेज वाला फुलफिल कर रहा है, लेकिन उसका प्रीवियस 4 इयर्स में वो 365 डेज रह रहा है कि नहीं वो देखना है आपको। तो आपको उसका प्रीवियस क्या देखना है, 4 इयर्स देखना है, कौन सा होगा, 14-15, 13-14, 12-13 और आपका 11-12, ये प्रीवियस 4 इयर्स देखना पड़ेगा। तो 14-15 में कितना रहा है, 65, 13-14 में, 13-14 में कितना, 123, ठीक है, फिर 12-13 में 115 और आपका 11-12 में 36, आपको टोटल करना है कितना रह रहा है, 65, 123, आप लोग करिए तो 339 डेज, विच इज लेस देन 365 डेज, दैट इज वाई दैट पर्सन इज नॉन रेसिडेंट इन द ईयर 15-16। ठीक है, प्रॉब्लम है किसी को? चलिए अभी आप लोग अपना टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 41 में आ जाइए। अगर आपका पास नहीं है तो ये पीडीएफ ऑलरेडी इंस्टीट्यूट का वेबसाइट में मिलता है, वो आप डाउनलोड कर सकेगा। इलस्ट्रेशन 10 हम लोग डिस्कस कर लिया था, चलिए इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, जब क्या है इनकम को इंडिया में मिले या ना मिले उसको माना किया जाएगा कि आपने इंडिया में उसको रिसीव किया है। आप यहां पे कौन है, रेसिडेंट है या नहीं है? आप अगर नॉन रेसिडेंट भी होगा, अगर ये सब इनकम आपको क्या मिल रहा होगा, मिल रहा होगा आपको, तब आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिया में ही टैक्स देना पड़ेगा। आप कौन है, कोई भी पर्सन हो। यहां पे क्या बोला है कि फॉलोइंग इनकम शैल डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया एंड टैक्सेबल इन दी हैंड्स ऑफ ऑल एसएससी, सभी एसएससी को टैक्स देना पड़ेगा इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर रेसिडेंशियल स्टेटस। मतलब नॉन रेसिडेंट को भी अगर ये पैसा मिल रहा है उसको हम लोग मानेगा इंडिया में रिसीव हुआ है। और हम लोग ने पता पढ़ा है कि अगर कोई भी पैसा इंडिया में मिलता है तो टैक्स भी कहाँ पे देना पड़ेगा, इंडिया में ही देना पड़ेगा।
अगर हम लोग मान रहा है कि कोई भी इनकम इंडिया में एक्चुअली मिला नहीं है, लेकिन मान रहा है कि वो मिल रहा है, तो टैक्स भी इंडिया में ही देना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, आपको अगर आप रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में आपका एम्प्लॉयर है और आपको क्या करना पड़ता है, सैलरी का एक पोर्शन प्रोविडेंट फंड में जमा करना रहता है एवरी मंथ। तो आपका एम्प्लॉयर अगर आपका नाम पे कोई भी रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जो भी पैसा कंट्रीब्यूट करेगा, वो अगर आप साउथ अफ्रीका में बैठा है, कहीं पे भी बैठा है, और लेकिन आपका एम्प्लॉयर इंडिया में बैठ के पैसा जमा कर रहा है और वो पैसा आपको मिल रहा है बोल के कहाँ पे माना जाएगा, इंडिया में मिल रहा है बोल के माना जाएगा। ठीक है, अगर वो क्या होता है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो है वो मिनिमम हम लोग को करना पड़ता है 12% ऑफ सैलरी देना पड़ता है। अगर आपका 12% ऑफ सैलरी से ज़्यादा आपको पैसा पे मिल रहा है, वो पैसा कहाँ पे मिल रहा है बोल के माना जाएगा, इंडिया में बोल के मिल रहा है बोल के माना जाएगा। और आपको अगर इंटरेस्ट अबव 9.5% इज योर मैंडेटरी रेट, क्या है 9.5% आपको मिलना ही चाहिए रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड से। अगर आपको रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड से 9.5% से ज़्यादा अगर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हम लोग मान लेगा कि ये इनकम इंडिया में ही मिल रहा है। ठीक है, लेकिन आप बोल देंगे कि अगर ये स्टेचुटरी प्रोविडेंट फंड में मिल रहा है, अगर मुझे 10.5% तब माना जाएगा क्या कि नहीं, तब नहीं माना जाएगा, ये RPF होना पड़ेगा, रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड होना पड़ेगा। चलिए, फिर बाद में अगर आपको क्या है, TDS अगर आपका डिडक्ट होके रखा है, हमने क्या बोला कि अगर आपका पैसा ऑलरेडी पैसा मिलने का टाइम में ही कट के आता है, जैसे सैलरीड पर्सन लोग का क्या होता है कि जब भी 60 रुपीज़ अगर पेमेंट करना रहता है, उनको महीना में क्या मिल रहा है, 60,000 मिल रहा है, तो 60,000 में उनका पकड़ लीजिए अभी हम लोग इमेजिनरी रेट 5% का टैक्स स्लैब में गिर रहा है। ठीक है, 5% का जो टैक्स स्लैब में गिर रहा है, उनको एवरी मंथ आउट ऑफ 60,000 हिज 5% वुड बी डिडक्टेड। 5% कितना होगा आपका, इस 3,000 आई गेस, तो आपका 57,000 आपको इन हैंड मिलेगा और ये 3,000 गवर्नमेंट का पास चला जाएगा। तो ये जो भी ये 3,000 रुपये का जो डिडक्शन हो रहा है, अगर आपका नाम पे आपका पेन में अगर कोई भी चीज़ ऑलरेडी डिडक्टेड है, आपका कोई भी इंसान अगर आपका ये पैसा डिडक्ट करके रखा हुआ है, तो आपको माना जाएगा कि ये पैसा आप इंडिया से ही कमाया है, क्योंकि ऑलरेडी ये टैक्स कहाँ पे पहुँच गया है, इंडियन गवर्नमेंट के पास तो मिल गया है, ट्रेजरी को तो ये पैसा मिल चुका है, तो आपको इनकम भी कंप्यूट कहाँ पे करवाना पड़ेगा, इंडिया में ही करवाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, फिर बाद में आ रहा है कि इनकम डीम टू एक्रू, हम लोग पहले वाला में क्या था, इनकम डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया, डीम टू बी रिसीव्ड, आपने रिसीव कर लिया बोल के मान लिया था, तो यहां पे डीम टू एक्रू, उत्पत्ति कहां हो रहा है, पहले वाला में रिसीव वर्ड में आपको देखना पड़ेगा कि उसमें मान लिया था कि हमने रिसीव कर लिया, मिल गया था, इसमें एक्रू है, उत्पत्ति कहां पे हो रहा है, इंडिया में हो रहा है बोल के मान रहा है। तो अगर रिसीव इंडिया में होता है, टैक्स भी कहां पे लगना चाहिए था, इंडिया में, एक्रू भी अगर इंडिया में होता है, टैक्स भी इंडिया में ही देना पड़ता है। तो इन सब केसेस में आपको इंडिया में ही टैक्स देना पड़ता है और आप माना जाता है कि आपको कहां पे दे रहा है, आप एक्रू कहां से हो रहा है, इंडिया से हो रहा है। अगर आप कहां पे है, विजय माल्या है मान लीजिए, आप कौन है, विजय माल्या है, ठीक है, फिर से ये कौन पर्सन था, दैट पर्सन वाज अ नॉन रेसिडेंट सिंस ही वाज अ लिविंग इन UK, ठीक है। अगर उन भाई साहब को, उनका तो एक डिफंक्ट एक कंपनी है मान लीजिए, किंगफिशर एयरलाइंस था, बा यूनाइटेड ब्रूअरीज था, दो कंपनी है उनका, दो कंपनी से उनको क्या मिल रहा है, इनकम मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, कुछ भी इंटरेस्ट मिल रहा है,
इनकम फ्रॉम कनेक्शन इन इंडिया, फैमिली से पैसा मिल रहा है, कहीं से भी पैसा मिल रहा है, वो अगर कहां से मिल रहा है, इंडिया से मिल रहा है, क्योंकि ये कंपनी कहां पे एस्टेब्लिश है, ऑपरेट कहां से कर रहा है, इंडिया से कर रहा है, लेकिन हम कहां पे है, विजय माल्या कहां पे है, यूके में है, तब भी आपको कहां पे मिलेगा टैक्स, कहां पे देना पड़ेगा, इंडिया में देना पड़ेगा। आप फिर से, बिजनेस नहीं कर रहा है किंगफिशर एयरलाइंस, कर रहा है नहीं कर रहा है, यहां पे बिजनेस नहीं कर रहा है, लेकिन इनका क्या है, कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट्स क्या है, कोई भी फैक्ट्री का मशीनरी होगा या वर्कफोर्स होगा, वो कहां पे रन हो रहा है, इंडिया में रन हो रहा है, और उसको बेच के इसने पैसा कमाया, तो टैक्स कहां पे लगेगा, इंडिया में लगेगा, क्योंकि अगर कोई भी कनेक्शन इंडिया में है और वहां से आपको पैसा मिल रहा है, आप कहीं पे भी बैठा हो, टैक्स आपको इंडिया में ही देना पड़ेगा। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। सैलरी अर्नड इन इंडिया, सैलरी अर्नड इन इंडिया का मतलब क्या है, आपका बारे में बोल रहा है क्या, आप तो सैलरी इंडिया में पकड़ लीजिए, आप असम में बैठा है और आपको पैसा मिल रहा है, इसको डीम्ड करने का क्या मतलब हुआ, आप तो इंडिया में है, इंडिया में मिल रहा है, तो ये आपका बात नहीं बोल रहा है, किसका बात बोल रहा है, हाँ, कोई भी मिनिस्टर, आपका फॉरेन मिनिस्टर्स, फॉरेन एम्बेसी में अगर बैठा है, फॉरेन एम्बेसी में बैठा है, कहां का, जिम्बाब्वे का बैठा है, जिम्बाब्वे में इंडियन फॉरेन एम्बेसी में एक मिनिस्टर इंडिया का रिलेशन उस कंट्री का साथ में ऑपरेट करता है, वहां पे बैठा रहता है, उसको पैसा कहां से मिल रहा है, इन इंसान को पैसा कहां से मिल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिल रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैसा मिल रहा है तो टैक्स भी इंडिया में देना पड़ेगा, ना कि वो पैसा कहीं पे भी खा रहा है, जिम्बाब्वे में बैठ के खा रहा होगा, लेकिन टैक्स कहां पे देना पड़ेगा, इंडिया में देना पड़ेगा। ठीक है, कहीं पे भी हो, जहां से होगा मतलब क्या, मतलब अपना, हाँ, सैलरी उनको इंडिया से ही जाएगा, टैक्स इंडिया में ही देगा। ठीक है, फिर बाद में आ जाता है क्या, अगर आप कहीं पे बाहर पे बैठा हुआ है और आपने इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट किया था, जो कि इन भाई साहब ने किया है, मान ले रहे इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट किया है, और इन्वेस्ट करने का कारण उनको क्या मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, तो वो डिविडेंड भी कहाँ पे टैक्स होगा, इंडिया में टैक्स होगा। अगर आपको कोई भी, आप फर्म में, LLP में, या आप कोई भी कंपनी में पैसा लगाया है और आपने लोन दिया है भी, मान ले रहा है, और लोन से आपको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, वो इनकम को भी इंडिया में ही टैक्सेबल हो जाएगा। आपने बुक क्या किया था, प्रिंट किया है, जैसे आपने, जैसे क्या हो गया, J.K. रावलिंग ने क्या बनाया था, हैरी पॉटर बनाया, तो हैरी पॉटर का रॉयल्टी किसको मिल रहा है, J.K. रावलिंग को बनाया था, तो इंडियन एक मान लीजिए राइटर का नाम कौन है, चेतन भगत, चेतन भगत इंडिया का राइटर है, बैठा कहां पे है, सिंगापुर में है, लेकिन रॉयल्टी उसको मिल रहा है इंडिया से, तो टैक्स भी इंडिया में ही देना पड़ेगा। आप चेतन भगत हो, आप सिंगापुर में बैठा है, आप टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड किया है इंडिया में, तो टैक्स भी कहां पे देना पड़ेगा, इंडिया में ही देना पड़ेगा। अगर आपको क्या मिल रहा है, आप कौन है, विजय माल्या है, ठीक है, और आपको क्या मिल रहा है, गिफ्ट मिल रहा है, आपको क्या मिल रहा है, गिफ्ट मिल रहा है। अभी हम लोग ने पढ़ा था कि गिफ्ट अगर किसी भी एक इंसान को मिलता है अपना फैमिली से, उसका ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए, लेकिन फैमिली मतलब क्या है, ब्लड रिलेशन रहना पड़ेगा, ब्लड रिलेशन रहना पड़ेगा, वो आपका फादर से या ग्रैंडफादर से आना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपका फादर से आ रहा है या आपका ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर का 2 चिल्ड्रन था, एक लड़का था और एक लड़की था, लड़का का भी एक लड़का हुआ, एक लड़की हुआ, और
लड़की का भी एक लड़का हुआ लड़की हुआ, अगर इस लड़का को उनका हस्बैंड से अगर पैसा मिल रहा है तो अलाउड है, लेकिन हस्बैंड का अंकल से अगर कुछ पैसा मिल रहा है तो वो आपका गिफ्ट टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि ये तो ब्लड में है ही नहीं ये फैमिली। ये क्यों, इनको क्यों नहीं लगा? क्योंकि ये मेरा बुआ का साथ शादी हुआ था, अदरवाइज उनका ऊपर चला जाने से नहीं होने वाला है। ठीक है, वो एक फैमिली ट्री माना पड़ेगा, अगर सेम फैमिली ट्री में है तब अलाउड है, अदरवाइज नॉट अलाउड। उसमें आपको क्या लगना पड़ेगा? टैक्स लगना पड़ेगा। हम लोग कहाँ पे था? विजय माल्या था। विजय माल्या को क्या मिल रहा है? गिफ्ट मिल रहा है। विजय माल्या नॉन रेसिडेंट है, डीम्ड रिसीप्ट ऑफ गिफ्ट बाय नॉन रेसिप, क्या नॉन क्या था? रेसिडेंट था। तो विजय माल्या कौन है? नॉन रेसिडेंट है, उनको गिफ्ट मिल रहा है। उनको गिफ्ट कहाँ से मिल रहा है? फ्रॉम एन इंडियन रेसिडेंट। इंडिया का रेसिडेंट कोई है जो इंडिया में पढ़ा हुआ है, और उनको बहुत चिंता हो रहा है विजय माल्या जी का। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि भाई तुमको खाना वाना नहीं मिल रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, आपको पैसा भेजेगा। इंडिया में बैठ के हमने पैसा भेजा, और पैसा रिसीव कहाँ पे हुआ है? यूके में हुआ है। और ये पैसा जब भी रिसीव हुआ है उसका डेट होना पड़ेगा ऑन और आफ्टर 07/2019। ये क्यों है? क्योंकि अगर इस डेट का आगे में अगर आपने ट्रांसफ़र किया होता तो उसका ऊपर में टैक्स नहीं लगता है। ये प्रोविज़न कब आया है, ये जो डीम्ड गिफ्ट का ऊपर में टैक्स लगने का प्रोविज़न कब आया है? इस डेट से आया है। अगर आप 0507 मतलब 5th जुलाई 2019 का बाद में आप इंडियन रेसिडेंट है और आप गिफ्ट कर रहा है कोई भी एक नॉन रेसिडेंट को, और वो पैसा नॉन रेसिडेंट बाहर पे रिसीव कर रहा है, तब भी आपको टैक्स कहाँ पे देना पड़ेगा? इंडिया में ही देना पड़ेगा। ठीक है, गिफ्ट नहीं होगा, वो तो गिफ्ट होता ही नहीं। पहला बात, गिफ्ट अगर होता, गिफ्ट भी अगर होता है वो तो अपना पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स किया गया, ये पेरेंट है वो अपना प्यूपिल को पैसा भेज रहा है। ठीक है, पेरेंट अपना बच्चा को जो भी पैसा देगा उसका ऊपर तो खर्चा नहीं मान सकता है, गिफ्ट ही होगा। ये डिम्ड गिफ्ट बोल के माना नहीं जाएगा। डिम्ड गिफ्ट बोल के क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि ये जो पैसा दे रहा है, आप तो यहाँ पे जब भी पैसा जब ट्रांसफ़र कराया जाता है वहाँ पे आप लोग को फीमा का एक डिक्लेयर करना पड़ता है। आप जब भी पैसा ट्रांसफ़र करेंगे आपका भी फाइनेंशियल स्टेटस, आपका क्या क्या बैलेंस है, आपका कैपिटल एसेट क्या है, बैलेंस शीट, ये सब चीज़ ऑलरेडी चेक किया जाता है, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड चेक किया जाता है, तभी जाके दिया जाता है। और आप किस चीज़ के लिए दे रहा है वो भी डिफाइन करना रहता है। एक इन फाइनेंशियल ईयर आप $1 million ही आप इंडिया से ट्रांसफर कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकता है, वो भी ऑलरेडी ये एक्ट में डिफाइन किया हुआ है, फीमा एक्ट में। ठीक है, अगर उसका बाद में भी अगर आपने पैसा कहीं से कैसे भी करके, चोरी करके, जानबूझ के, गलत डिक्लेरेशन का थ्रू से आपने ट्रांसफर किया है, तब जाके आपको गिफ्ट बोल के माना नहीं। आपने गिफ्ट बोल के दे दिया है और बाद में पता चला कि ये नॉन रेसिडेंट को गया है जो उनका पढ़ाई वढ़ाई के लिए यूज़ नहीं हुआ है, उसने अपना कंट्री में, नॉन रेसिडेंट जो था उसने अपना कंट्री में उसको अलग तरह से ट्रीट किया है, तब आपको तो पकड़ेगा आके। ठीक है, तो आप लोग को आना है पेज नंबर 45, जो आपका गिफ्ट वाला क्लॉज था उसमें आना है।
ठीक है, व्हेन ए नॉन रेसिडेंट और ए फॉरेन कंपनी रिसीव्स एनी सम ऑफ मनी, 56 टू क्या है, अदर सोर्सेस का थ्रू से आपको पैसा मिल रहा है, उसने क्या किया, उसने अपना अदर सोर्सेस में दिखा दिया, जिसने जिसको भी पैसा मिला हमने क्या बोला कि आपने गिफ्ट दिखाया, और आपने क्या बोला कि नॉन रेसिडेंट को जब भी पैसा भेजा है उसने क्या कर दिया, रिसीव्स एनी सम ऑफ मनी रेफर टू इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इसको आप लोग पढ़िए, अदर सोर्सेस का इनकम रिसीव किया, अदर सोर्सेस इनकम रिसीव किया है, कोई भी नॉन रेसिडेंट है, कोई भी फॉरेन कंपनी है, उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस मिल रहा है, किससे मिल रहा है, कोई भी एक रेसिडेंट से मिल रहा है, और आउटसाइड इंडिया भेजा गया है, और ये पैसा इस डेट का बाद में मिल रहा है, तब उसे हम लोग डीम्ड इनकम एक्रूइंग फ्रॉम इंडिया बोल के मानेंगे, और उसको टैक्स इंडिया में ही देना पड़ेगा। जो अभी देख रहा था हम लोग, इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, अगर आपको कोई भी बिजनेस कनेक्शन जो भी कहाँ पे था, इंडिया का बाहर था बा इंडिया में था, और आप इंडिया का बाहर पे है, अगर आपको कोई भी पैसा मिल रहा है वो क्या होगा, इंडिया में ही टैक्सेबल होगा। एक्सेप्शन क्या क्या है, इसमें भी क्या है, आपका कनेक्शन इंडिया में है, आपका कनेक्शन कहाँ पे है, इंडिया में है, आप विजय माल्या है, आपका बिजनेस कहाँ पे है, कोई भी एक पर्सन इंडिया में था, आपको पैसा मिल रहा है, आप इस क्लोज में बोल दिया कि ये पैसा कहाँ पे लगना चाहिए, इंडिया में लगना चाहिए, कि एनी इनकम रिसीव फ्रॉम अ बिजनेस कनेक्शन टू आउटसाइड इंडिया शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। ये एक्सेप्शन बोलता है कि ये कंडीशन होने का बाद में भी इंडिया में टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, एक्सेप्शन क्या क्या था, कि इनकम फ्रॉम अ बिजनेस कनेक्शन विल बी डीम्ड टू बी और डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया, माना तब जाएगा, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट एट्रिब्यूटेबल टू ऑपरेशंस इन इंडिया, इंडिया में जितना ऑपरेशन हो रहा होगा उतना का ही मिलेगा। अगर आप बोल दें कि ये ऑपरेशन आपको पकड़ लीजिए यहाँ पे 900/9 लाख मिल रहा है, इंडिया से आपका पास कितना गया, 9 लाख गया, अगर आप ये प्रूफ कर सकता है कि ये जो 7 लाख रुपया है, 7 लाख का जो भी पैसा मिल रहा है वो हम यूएई में आपको कुछ एक फैसिलिटी दिया था उसका पैसा है, बाकी 2 लाख क्या है, इंडिया का पैसा है, ये अगर आप प्रूफ कर दिया तो इस 7 लाख का ऊपर आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा, चाहे वो इंडिया से ही क्यों ना जाए पैसा। ठीक है, तो क्या हो गया, 10% वेटेज इज गिवन टू द वर्क इन इंडिया, देन ओनली 10% ऑफ द अमाउंट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया। ठीक है, फिर परचेज ऑफ गुड्स बाय ए नॉन रेसिडेंट, एक नॉन रेसिडेंट है जो कि ये भाई साहब है, उन्होंने क्या खरीदा, सामान खरीदा, कहाँ से खरीदा, इंडिया से खरीदा, फॉर पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट, उन्होंने बोला हम खरीद रहा है, वो खरीद के क्या करेगा, बाहर ही बेचेगा, विल नॉट बी डीम्ड टू बी अ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। आपने तो पैसा कमाया सामान खरीद के, कि हम खरीद ले रहे हैं, हम बाहर पे जाके पैसा कमाएगा बेचेगा, उसको हम लोग बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया बोल के नहीं मानेगा। ठीक है, फिर उसका बाद में आप कौन है, आप न्यूज एजेंसी है, न्यूज एजेंसी क्या है, CNBC पकड़ लीजिए आप, UK है, इंडिया भी है, कोई भी है, या BBC इंडिया है आप, ठीक है, आप कौन है, BBC इंडिया, आपका काम क्या है,
न्यूज़ प्रोड्यूस करना और न्यूज़ को टेलीकास्ट करना। तो आपको अगर कोई भी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल रहा है, इंडिया से मिल रहा है, और आप उसको ब्रॉडकास्ट करने का बाद में आपको रेवेन्यू आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो आपको अगर कोई भी कलेक्शन ऑफ न्यूज़ एंड व्यूज़ बाय न्यूज़ चैनल और एजेंसी इन इंडिया विल नॉट बी डीम्ड टू बी अ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। इंडिया में मतलब इसका क्या है, एग्जम्पशन दे के रखा है। अगर आप कोई भी न्यूज़ चैनल खोल रहा है और आपको कोई भी पैसा इंडिया से मिल रहा है या इंडिया में मिल रहा है, उसका ऊपर में टैक्स नहीं देना है। तो आप क्या करेगा, न्यूज़ एजेंसी खोलेगा अभी, तो फिर बाद में कौन आ जाता है, शूटिंग ऑफ फिल्म्स प्रोवाइडेड। आप क्या कर रहा है, इफ ए मेकर इज इंडिविजुअल, आप क्या कर रहे हैं, मूवी शूट कर रहा है, ही शुड नाइदर बी ए इंडियन सिटीजन। तो विजय माल्या जी को हम इंडियन सिटीजन बोल के नहीं मान रहा है यहाँ पे। तो विजय माल्या जी आया कहाँ पे, इंडियन मूवी शूट करने के लिए इंडिया में आया है, और आके क्या क्या उन्होंने दिखाया कि हम इंडिया का सिटीजन नहीं है, हम कहाँ का सिटीजन है, यूके का सिटीजन है, और हम रेसिडेंट तो है ही नहीं, हम इंडिया में रहता ही नहीं है, तो हम सिटीजन भी नहीं है और रेसिडेंट भी नहीं है। इफ द मेकर इज ए फर्म और AOP, तब उनको क्या करना पड़ेगा, उनका फॉर्म में इंडिविजुअल होने से तो उनको रेसिडेंट भी नहीं होना है और सिटीजन भी नहीं होना है। अगर वही मेकर अगर कोई कंपनी होता है तो कंपनी में कोई भी एक इंसान इंडियन सिटीजन या इंडियन रेसिडेंट नहीं होना पड़ेगा। तब क्या होता है, तब अगर कोई भी अगर पैसा आपको मिल रहा है इंडिया में शूट करने का कारण, आपको अगर उस फिल्म शूटिंग का बाद में अगर आपको कोई भी पैसा मिल रहा है, कोई भी अर्निंग्स मिल रहा है, उसका ऊपर में भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। क्यों, इन्होंने बोला कि इंडिया बहुत टॉलरेट है, इंडियन न्यूज़ एजेंसी सबको फ्री हैंड देख के रखा है, हम सबसे अच्छा कंट्री है तो पैसा नहीं देगा। आप मेरा कंट्री बहुत सुंदर है, आप ये जाके बाहर पे दिखाओ, रेवेन्यू लाओ, आप लोग यहाँ पे फॉरेन करेंसीज लाएगा, हम लोग स्टेबल बनेगा, आपको टैक्स नहीं देना है, आप इंडिया को सुंदर बनाओ और हमको फॉरेन करेंसी में पैसा देके जाओ, ठीक है। तो इन दोनों को पैसा नहीं लग रहा है, आप इंडिया से पैसा लेके जा रहे हैं लेकिन टैक्स भी नहीं देना पड़ रहा है। फिर ये तो आपको पता ही था कि आपको कोई भी एसेट है जो इंडिया में है उसका ऊपर में टैक्स देना था, ये एक्सेप्शन इतना तक ही है, उसका बाद में आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। फिर आपका प्रॉपर्टी था इंडिया में है तो आपको टैक्स वहाँ से कुछ भी इनकम आ रहा है इंडिया में ही देना पड़ेगा। कैपिटल एसेट आपका ट्रांसफ़र हुआ है, इंडिया में ट्रांसफ़र हुआ है, पैसा बाहर गया है, टैक्स इंडिया में देना पड़ेगा। सैलरीज अगर आपको मिल रहा है, सर्विस आपका इंडिया में मिल रहा है, एनी इनकम अंडर द हेड सैलरीज इफ इट इज पेबल फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, आपने अगर कोई भी सर्विस इंडिया में रेंडर्ड किया है, पैसा बाहर पे कमा ले रहा है, तो भी इंडिया में ही देना पड़ेगा। इंडियन सिटीजन जो था आपका, एम्बेसी वाला प्रॉब्लम था, तो उसको भी इंडिया में ही देना पड़ेगा। डीम्ड गिफ्ट वाला हम लोग डिस्कस कर लिया था, और इंटरेस्ट रॉयल्टी या फीस आपको किसके लिए मिल रहा है, टेक्निकल सर्विसेज, फी फॉर टेक्निकल सर्विस एक है, रॉयल्टी मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तब भी आपको कहाँ पे देना पड़ेगा, इंडिया में देना पड़ेगा। कब देना पड़ता है, अगर ये वाला, इसको जूम करने का ऑप्शन है किधर, ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट किसको मिल रहा है, पेएबल बाय कौन है, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट आपको पे कर रहा है, गवर्नमेंट आपको क्या पे कर रहा है, इंटरेस्ट पे कर रहा है, गवर्नमेंट अगर आपको पे कर रहा है, तब अगर आप रेसिडेंट हुआ है तब आपको टैक्स कब देना है कब नहीं देना है ये लिखा हुआ है। ये अगर रॉयल्टी अगर पे कर रहा है, रॉयल्टी पे कौन कर रहा है, इंडियन गवर्नमेंट कर रहा है, तब आपको टैक्सेबल देना चाहिए या नहीं देना है। रेसिडेंट से अगर आपको पैसा मिल रहा है, नॉन रेसिडेंट से अगर पैसा मिल रहा है, कैसा पैसा मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, ये इंडिया में एक्रू होगा सब में ही। देखिए सबको कहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा,
इंडिया में ही देना पड़ेगा। आप गवर्नमेंट से पैसा कमाइए, रेसिडेंट से पैसा कमाइए, नॉन रेसिडेंट से पैसा कमाइए, अगर ये सब चीज़ से भी अगर पैसा कमा रहा है, वो इंडिया में कमा रहा है, तो सबको ही टैक्स इंडिया में ही देना पड़ेगा। आपने इंटरेस्ट कैसे कमाया? इंटरेस्ट लोन दिया था, किसको दिया था? गवर्नमेंट को दिया। आपने इंटरेस्ट किसको दिया था? रेसिडेंट को दिया, नॉन रेसिडेंट को दिया। कहाँ पे दिया? लेकिन इंडिया में दिया है। रॉयल्टी सर्विस कहाँ पे प्रोवाइड किया है? गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया है, रेसिडेंट को प्रोवाइड किया है, नॉन रेसिडेंट को प्रोवाइड किया। कहाँ पे प्रोवाइड किया है? इंडिया में प्रोवाइड किया है। टैक्स भी इंडिया में दो। पैसा कहाँ पे मिल रहा है, क्या मिल रहा है, उससे मतलब नहीं है। तो ये चीज देखिए, अभी उसमें प्रॉब्लम है तो बताइए। मैथ्स, हाँ, जैसे आपको अभी क्या बोल गया था कि रेसिडेंशियल स्टेटस चूज करिए, फिर आपको बोल दिया कि आपको दे दिया रहेगा कि पकड़ लीजिए अब फर्म कमिंग टू इंडिया अर्निंग इनकम फ्रॉम शूटिंग ऑफ मूवीज, विल दिस इनकम बी टैक्सेबल इन इंडिया और नॉट? ये आपका एक मार्क्स बस वही लिखना है। या पकड़ लीजिए, आपको चार पांच यहाँ पे 1 2 3 बोल के चार हेड ऑफ इनकम दे देगा। उस हेड ऑफ इनकम में आप थर्ड इनकम में दे दिया कि आपको ये वाला क्वेश्चन दे देगा, तो आपको उसको टोटली इनकम जब कंप्यूट करेगा उसमें आपको इसको कंसिडर करना है या नहीं करना है, आपको पकड़ना है। इसमें आएंगे अभी हम लोग, इलस्ट्रेशन करेंगे अभी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इंडियन इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया whether the person is resident or not. तो फिर foreign income of a person is taxable in India. Foreign income of a person, बाहर का income, global income India में taxable कब होगा? जब आप resident होगा। अगर आप resident नहीं है, बाहर का income को भी taxable नहीं लग सकता है। Foreign income of a non-resident is not taxable. जो कि ये वाला हो गया था, हम लोग को 15 लाख वाला भी हम लोग डिसाइड कर लिया था। चलिए इसमें आ जाता है अभी हम लोग। यहाँ पे क्या है, एन इंडिविजुअल हु हैज बीन रेगुलरली असेस्ड एज रेसिडेंट, जिनको हम लोग नॉर्मली क्या बोल के मानता है, रेसिडेंट बोल के मान रहा है, एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट है और ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, हैज टू बी ट्रीटेड एज नॉन रेसिडेंट इन अ पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर। नॉर्मली हम लोग मान रहे हैं वो रेसिडेंट है, लेकिन कोई एक असेसमेंट ईयर में आके उनको क्या मान लिया हम लोग, नॉन रेसिडेंट मान लिया, इफ ही सेटिस्फाई नन ऑफ द कंडीशन ऑफ 6.1। 6.1 कौन सा था आपका? बेसिक कंडीशन था। तो बेसिक कंडीशन का अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, उनको हम लोग नॉन रेसिडेंट बोल के मान सकता है कि नहीं? इफ ए पर्सन, जो रेसिडेंट यूजुअली रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट है, और एक असेसमेंट ईयर में उनको बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ है, तो उनको हम लोग नॉन रेसिडेंट बोल के मान सकता है या नहीं मान सकता है? मान सकता है, क्योंकि ये जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो एवरी ईयर हम लोग को चेक करना रहता है। तो ये चलिए, कैन ए पर्सन हु इज अ रेसिडेंट इन इंडिया, कौन है जो इंडिया में रेसिडेंट है, बिकम रेसिडेंट इन एनी अदर कंट्री फॉर द सेम असेसमेंट ईयर, हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है। यहां पे क्या बोला है, रेसिडेंट हो सकता है, सिटीजनशिप का बात नहीं बोल रहा है, रेसिडेंट हो सकता है, लेकिन यहां पे क्या है, 182 डेज ही इंडिया में रहना है, वो तो बाहर पे रह सकता है, तो रेस्ट ऑफ द इसका लिए तो वो इंडिया में रहेगा और बाकी में दूसरा कंट्री में रह सकता है, लेकिन डोमिसाइल एक कंट्री का होता है। डोमिसाइल मतलब क्या है, जहां से पैसा कमाया, जहां से पैदा हुआ, वो एक ही कंट्री का हो सकता है, वो दो कंट्री का नहीं हो सकता है। लेकिन नॉर्मली टैक्स कहां पे लगना आता है, जहां पे उनका डोमिसाइल रहता है, ठीक है। चलिए, एक्स कौन है, फॉरेन नेशनल है और ये इंडियन सिटीजन है या नहीं है? नहीं है। केम टू इंडिया फ्रॉम यूएसए
कब आया है? पहले बार आया है, उसका आगे में इंडिया कभी आया नहीं था। कब आया है? 2011 जुलाई 2015 को इंडिया में आया है, ठीक है। और इंडिया में रहा कितना दिन है? 3 इयर्स पूरा एट ए स्ट्रेच इंडिया में ही रह गया। तो 3 साल होने से कितना दिन रहा वो आपका? हाँ, कितना दिन होगा आपका? तो ये 7 ही होगा आपका, 7 होगा, या जो जो जून होगा यहाँ पे, ये आपका 3 होने से 18 हो गया। 15 से एट ए स्ट्रेच 3 साल इंडिया में रह गया, ठीक है। फिर बाद में वो 11 जुलाई को, यहाँ तक तो इंडिया में रहा है, 11 जुलाई को वो कहाँ पे चला गया? जापान चला गया। ये 3 साल कहाँ पे है? इंडिया में है। जापान को 11 जुलाई 2018 के लिए निकल के चला गया। फिर इंडिया आया, फिर क्या हो गया? इंडिया आ गया। कब आया है? 2019 को इंडिया घुसा। एंड कब तक रुका? 17 अगस्त 19 तक रुका है। तो अप्रैल में कितना दिन रुका वो आप लोग कैलकुलेट करेंगे। फिर वेंट बैक टू यूएसए, ही अगेन केम बैक टू इंडिया। फिर आया 17-8 को निकल के चला गया। फिर उसका बाद कब आया? 22 को आया है, एट 11:59 PM आया है, मतलब रात को 1 फरवरी का आगे हुआ, 31 जनवरी का आगे आगे आगे, 31 जनवरी का आगे आगे इंडिया में आके घुस गया। एंड कंटिन्यू टू स्टे इन इंडिया देयर आफ्टर। तो आपको निकालना है असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए उसका रेसिडेंशियल स्टेटस। हम लोग जो भी रेसिडेंशियल स्टेटस निकालता है वो असेसमेंट ईयर के लिए निकालता है या प्रीवियस ईयर के लिए निकालता है? प्रीवियस ईयर के लिए निकालता है। तो प्रीवियस ईयर क्या होगा आपका? 21-22। तो 21-22 में वो इंडिया में कितना दिन रहा है वो निकालना है। 21-22, तो 21-22 में देखिए रहा था कि नहीं। हाँ नहीं, इसमें तो आया है ना, 21-20 में तो है। 21-22 ख़त्म कब होता है आपका? 31 मार्च को ख़त्म होता है। ये तो आ गया था 30th को। तो जनवरी में कितना दिन रहा वो? जनवरी में 2 दिन रहा, फरवरी में 28 डेज, और मार्च में 31 डेज। आप यहाँ पे कितना दिन? 20, यहाँ पे 60 61 होगा, करेक्ट 61 होगा। पहला वाला कंडीशन तो फुलफिल नहीं किया, सेकेंड वाला कंडीशन में 60 डे से ज़्यादा रहा है, और प्लस इन दी प्रीसीडिंग 4 ईयर्स आपको देखना है कि वो 365 डे से ज़्यादा रहा है कि नहीं। तो प्रीसीडिंग 4 ईयर्स निकालिए आप लोग। प्रीसीडिंग 4 ईयर्स क्या क्या था? ये तो आपका 22-23 या 21-22, 21-22 कितना दिन रहा आप? 61 डेज रह गया। तो फिर 2021 देखना पड़ेगा। 2021 में कितना दिन रहा आप? 2021 में कुछ रहा आप? 0 है। 1920 में आप कितना दिन रहा है? 1920 में तो यहां पे रहा है आप। अप्रैल में कितना दिन रहा आप 1920 में? 21 डेज। अप्रैल में 21, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, फिर जुलाई अगस्त में आप 17 डेज। टोटल कितना डेज रहा आप? कितना? 130। फिर उसका और एक साल हमको देखना पड़ेगा। तो 18-19 में कितना रहा हम? 18-19 शुरू होता है यहाँ से। 18-19 में 1-4-2018 से शुरू होता है,
तो हम निकल के कब गया था जनवरी जापान के लिए? 11/7/2018. तो 1/4/18 से 11/7/2018 आई एम स्टेइंग इन इंडिया. इसमें प्रॉब्लम है या नहीं है? हम 11/7/2015 से 10/7/2018 तक इंडिया में ही था, और 11/7/18 को जापान के लिए निकला. तो डेट ऑफ एग्जिट को पकड़ना है. हाँ पकड़ना है. और वन तो मेरा 17/18 कब से शुरू होता है? 17/18 कब शुरू होता है? 1/4/17 से शुरू होता है. तो आपको पकड़ना क्या है? 1/4/17 पकड़ना है. और ये इसको कहाँ पे पकड़ना है? 31/3/18. तो इसको भी नहीं पकड़ना है ना. हाँ तो आप बोलिए 18/19 पकड़ना है बोल के. तो 18/19 में क्या आएगा? 1/4/18 to 11/7/18 है ना. 11/7 डेट ऑफ एग्जिट को भी कंसिडर करना रहता है. तो पकड़िए 18/19 में क्या आएगा? अप्रैल क्या आएगा? अप्रैल इज 30 days, मई 31, जून 30, जुलाई 11 days. कितना दिन रहा आप? वन जीरो टू निकल रहा आपका? अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है. तो आपका कितना निकला? 102. फिर इसमें रहा क्या आपका? डज नॉट सेटिस्फाई. तो यहाँ पे आपका क्या था? इस साल को तो पकड़ना नहीं है ना, 4 साल है. ये तो प्रीवियस ईयर है, इसको नहीं पकड़ना है. इमीडिएटली प्रीसीडिंग 4 ईयर्स. तो आपको कौन सा पकड़ना है? 17/18 को भी पकड़ना है. तो 365, यहाँ पे तो 17/18 में तो पूरा साल रहा था वो, तो दैट इज 365. आप अभी देखिए 365 से तो ज़्यादा रह गया. तो ही इज अ रेसिडेंट हो गया. फिर उसका बाद में आपको क्या देखना है कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है. तो आपको देखना है क्या पड़ेगा? एडिशनल कंडीशन देखना पड़ेगा. 2 out of 10, 735 out of 7 देखना था. तो 2 out of 10 का पता है क्या? नहीं पता है. कैसे नहीं पता है? क्योंकि प्रीवियस 10 साल में वो 2 साल कभी इंडिया में रहा है. ये इस साल में तो इंडिया में रहा है. 16/17 में भी इंडिया रहा है. तो 16/17 इंडिया में रहा है तो वो ये बेसिक कंडीशन फुलफिल कर दिया. लेकिन एडिशनल में तो ये भी है. तो 720 ये आपको क्या देखना था? 735 था. तो 735 हो रहा है कि नहीं? कर रहा है. तो आप रेसिडेंट भी है और ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी है, ठीक है. प्रॉब्लम होता तो कर लीजिए फिर से मैथ्स, प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ठीक है. आंसर क्या है? ठीक है. फिर आइए, एक्स कौन है अभी? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ कंपनी है जिन्होंने क्या क्या कर दिया? फॉरेन टूर में बहुत बार गए हैं. फिर वाज आउट ऑफ इंडिया फॉर अ नंबर ऑफ 255 डेज. तो 365 में से 255 डेज ही वाज आउट ऑफ इंडिया. बाकी कहाँ है? इंडिया में है. बाकी अगर इंडिया में है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, थर्ड कितना है? प्रीवियस ईयर क्या होगा? 21/22 है. ही सबमिट्स हिज रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 22/23. प्रीवियस ईयर 21/22, असेसमेंट ईयर 22/23, इन द स्टेटस ऑफ नॉन रेसिडेंट. इज ही जस्टिफाइड और नॉट? ही विजिटेड अ फॉरेन कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग मई 20. ये अभी रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, क्या है? उन्होंने बोला कि नॉन रेसिडेंट है, वो रेसिडेंट होना चाहिए. कैसे रेसिडेंट होना चाहिए? बाय वर्चू ऑफ 110 डेज. क्यों? हाँ लास्ट ईयर वो क्या था?
365 डे से ज्यादा रहा था इंडिया में इन दी प्रीसीडिंग फोर प्रीवियस ईयर. वो एक साल तो इंडिया में ही रहा था. इंडिया में बाहर कब गया था वो? मई 20 में गया था. ये कौन सा ईयर का बात कर रहा है? प्रीवियस ईयर 21-22. प्रीवियस ईयर 21-22 में हमको देखना है दो बेसिक कंडीशन. 180 डेज वाला तो फॉलो नहीं कर रहा है, 60 डेज वाला फॉलो कर रहा है क्योंकि वो 110 डेज रहा है. प्लस आपको देखना था 365 डेज आउट ऑफ फोर प्रीसीडिंग ईयर्स. तो प्रीसीडिंग जो ईयर था आपका क्या था? 2021 में तो वो इंडिया में ही था. वो गया कब था? मई 20 में गया था. फिर आ भी तो गया था वो ना? नहीं आया था? आया था या नहीं आया था? बोला था? मेंशन नहीं है. तो आप क्या था? तो ये नॉन रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का वो रिक्स नहीं लेगा. हाँ, तो ये क्या हो गया आपका? सिक्सटी डेज का जो आपने बोला वो कंडीशन फुलफिल किया है, लेकिन 365 आउट ऑफ फोर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर बोला था. वो लास्ट इंडिया का बाहर कब गया था? मई 20 में गया था. तो मई 20 में अगर बाहर ही चला गया है, उसका आगे का क्वेश्चन नहीं पता है मुझे, तो वो नॉन रेसिडेंट ही होना पड़ेगा. हाँ, चलिए ये वाला, इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोग को. क्या बोला? ड्यूरिंग हिज 196 डेज स्टे इन इंडिया. प्रीवियस ईयर कितना है? 21-22 है. इंडिया में कितना दिन रहा? 196 डेज रहा है. और सिटीजन ऑफ यूके कहाँ का है? यूके का सिटीजन है. इज ऑल टाइम मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ही क्लेम्स दैट ही इज अ नॉन रेसिडेंट फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23. ठीक है, इंडिया में रहा कितना दिन है उसने बोला, लेकिन क्या है? नॉन रेसिडेंट होना चाहिए. ये देखने के बाद हम लोग को बोलना क्या चाहिए? कि रेसिडेंट तो होना चाहिए आप, लेकिन उन्होंने बोला कि इंडिया में वो कभी आया ही नहीं था बिफोर अप्रैल 2021. ठीक है, अप्रैल से पहले नहीं आया, लेकिन बाद में तो आया है आप. चलो ये माना हम लोग आप नहीं आया है, लेकिन आप नहीं आने से क्या होगा? अप्रैल का बाप पहले ही नहीं आए. 21-22 में तो आप 196 दे रह गया. अगर आप 21-22 में 196 डेज रह गया, जो कि 182 डेज से ज़्यादा है, तो आप क्या हो गया? रेसिडेंट हो जाएगा. ये जो नॉन रेसिडेंट वाला क्वेश्चन था, आप वहीं पे ही फिजिबल नहीं है, आप गलत है. ठीक है, उसका पहले वाला बाद में हम लोग देखेगा ही नहीं. चलिए ये आप लोग करिए. तो कौन है यहाँ पे? एक पर्सन है जिनका एज क्या हुआ है? दिया हुआ है. कितना दिन इंडिया में रहा है वो? 30 इयर्स रहा है. रिटर्न्स टू अमेरिका ऑन जनवरी 29, 2000
19 को इंडिया छोड़ के गया है और ही रिटर्न्स टू इंडिया जून 21 में आया है टू जॉइन एन अमेरिकन कंपनी एज इट्स ओवरसीज ब्रांच मैनेजर डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23. तो प्रीवियस ईयर क्या हो गया आपका 21-22. तो प्रीवियस ईयर 21-22 में आप कहाँ पे था, आप कहाँ पे था, आप इंडिया में कब आया है, जून में आया है. तो जून में अगर आया है तो जून का हम पूरा पकड़ लिया. जुलाई में आप कितना दिन रहा, 31. अगस्त में आप, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, कितना दिन है, 304. तो 304 यहाँ पे है. प्रीवियस ईयर में आप रहा है जून में, जून में ही रहा है 21. नहीं, प्रीवियस ईयर आपको कौन सा बोला, प्रीवियस ईयर आपका 21-22 में रहा है. तो यहाँ पे अगर आप इतना दिन रहा है, जून से ही तो है आप यहाँ पे. इंडिया में कब से आया है आप, आपका कितना निकला था, 304. आप अगर पकड़ता है कितना होगा, 1, 2, 3, 304 निकलते हैं, चलिए मान ले रहे. तो ये हो गया, आप कौन हो गया, अभी रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, रेसिडेंट हो गया. और अभी ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नहीं है वो डिसाइड करना है. रेसिडेंट तो पता चल गया आपको, ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने के लिए क्या चाहिए था, 2 out of 10, 735 out of 7 था. तो आप तो 30 साल से इंडिया में रह रहे, तो आप क्या हो गया, ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो गया. ये वाला देखिए आप लोग, दिखा देगा आप लोगों कौन है आप, फॉरेन सिटीजन है, इंडियन ओरिजिन का नहीं है. आपको रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना है, कौन सा ईयर का, 21-22 का चेक करना है. 7 से 21-22 को आपका पीरियड ऑफ स्टे दे चुका है. इसमें भी कुछ कॉम्प्लिकेशन होना पड़ेगा, नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि आपको क्या है, पीरियड ऑफ स्टे दिया हुआ है, नंबर में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है. तो आपको पहला क्या देखना पड़ेगा, बेसिक कंडीशन. तो बेसिक कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि नहीं, 60 डेज है और आपको प्रीवियस 4 ईयर्स देखिए, प्रीवियस 4 ईयर्स में आपका 365 हो रहा है कि नहीं, हो रहा है. तो ये कौन हो गया, रेसिडेंट हो गया. फिर ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए 2 out of 10 चाहिए, बाप 735 पकड़ लीजिए. तो 735 out of 7 प्रीवियस ईयर. तो 7 प्रीवियस ईयर कहाँ से होता है, और आएगा, और एक साल आएगा, हो जाएगा ना. चलिए इनको पकड़ना, यहाँ पे कितना साल है, हो गया 735 आ गया. 735 आने से आउट ऑफ 7 ईयर्स एटलीस्ट 2 ईयर्स में तो आप है ही, तो आप रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है. और फिर और एक कौन सा दे दिया आप लोग को, चलिए ये वाला करते हैं लास्ट, 15 है. ठीक है, यहाँ पे कौन है आप, एक्स है जो फॉरेन सिटीजन है, इंडिया का नहीं है, कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम सितंबर 1 में आया है, 21 को एंट्री लिया है, कहाँ पे, इंडिया में एंट्री लिया है. ऑन सितंबर 15, 2021 ही जॉइंस अ कंपनी फॉर अ सैलरी ऑफ 60,000. मंथली सैलरी कितना है, 60,000. और एज ए पार्ट टाइम प्रोडक्शन कंसल्टेंट, ड्यूटी आवर्स कितना भी हो फर्क नहीं पड़ता है, कितना पैसा मिलता है महीना में, 60,000 मिल रहा है. और प्रायर टू 15 सितंबर एक्स डज नॉट हैव एनी सोर्स ऑफ इनकम. आया है, नौकरी नहीं मिला, 15 दिन खटा, उसके बाद में पैसा मिल गया. तो फिर बाद में क्या है, अक्टूबर 9, 2021 को ही स्टार्ट्स ए ट्रेडिंग बिजनेस ऑफ
क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर का बिजनेस स्टार्ट कर दिया आफ्टर ऑप्टेनिंग प्रायर अप्रूवल लिया है, जो भी क्या है मतलब नहीं है। फिर प्रीवियस ईयर में कितना लेना पड़ेगा आपको, 21-22 में आपको देखना पड़ेगा कि उसका रेसिडेंशियल स्टेटस भी चेक करिए और उसका इनकम भी आप निकालो। सैलरी कितना मिल रहा है उनको, 390। इनकम फ्रॉम हार्डवेयर बिजनेस से कितना कमाया, 780। फॉरेन इनकम से कितना पैसा आया, $40। रेसिडेंशियल स्टेटस चूज करिए, अभी सब कुछ दे दिया लेकिन पैसा का हिसाब करने नहीं बोला। क्या होगा, किस बेसिस में होगा, सितंबर 15 से इंडिया में, 1 सितंबर को एंट्री मारा तो 15 सितंबर तो नहीं पकड़ना है। 1 सितंबर से आप कहां तक रहा है, कब तक रहा है इंडिया में, प्रीवियस ईयर कब खत्म होगा आपका, 22 तक, तो सितंबर से, सितंबर में कितना दिन रह गया, हाँ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना होता है, 212। तो रेसिडेंट हो ही गया, ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा या नहीं होगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा या नहीं होगा, रेसिडेंट होगा तो आपने बता दिया, ऑर्डर रेसिडेंट होगा, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है, नहीं है तो नॉट ऑर्डर रेसिडेंट। ये वाला कौन है, अभी इंडियन सिटीजन है, इतना दिन से हम लोग क्या पढ़ रहा था, अभी बाहर का इंसान का पढ़ रहा था, अभी इंडियन सिटीजन है, एम्प्लॉयमेंट में है, काम कहां पे कर रहा है, सिंगापुर में काम कर रहा है, ठीक है। प्रीवियस ईयर कौन सा है, 21-22, और आप इंडिया में कब आया है, कितना दिन के लिए आया है, 145 डेज के लिए आया है। इन अर्लियर 4 ईयर्स ही इज इन इंडिया फॉर मोर देन 900 डेज, तो आप इंडिया में 145 डेज से आया है, तो पहला क्लोज तो खत्म बेसिक कंडीशन। सेकंड क्लोज में 60 डेज फुलफिल किया है और आप 365 आउट ऑफ 4 प्रीवियस ईयर फुलफिल कर दिया है, तो यू आर अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्यों है, बिकॉज यू आर स्टेइंग मोर देन 365 डेज आउट ऑफ 4 प्रीवियस ईयर, यहां पे आप 900 दिन रह रहे हैं, तो आप रेसिडेंट एंड ऑर्डर रेसिडेंट। रेसिडेंट एंड ऑर्डर रेसिडेंट होने से आपका ग्लोबल इनकम भी इंडिया में ही टैक्सेबल होगा। हिज एनुअल इनकम कितना है आपको पकड़ना है, कितना है, सैलरी से 29 आ रहा है, वो पैसा कहां पे मिल रहा है, सिंगापुर में मिल रहा है, तो टैक्स कहां पे देगा, हाँ सिंगापुर, हाँ सिंगापुर में भी पे करेगा, इंडिया में भी पे करेगा, डुअल टैक्सेशन नहीं हो। उसमें क्या होता है, सिंगापुर में आपने अर्न किया है, पैसा कहाँ पे कमाया, सिंगापुर में कमाया, सिंगापुर में आप टैक्स भी पे कर चुका है, लेकिन आप इंडिया का रेसिडेंट है, आपको मैंडेटरीली इंडिया में इनकम टैक्स का रिटर्न मारना पड़ रहा है, तो आप क्या करेगा, सिंगापुर का इनकम को मारेगा। सिंगापुर में आप कौन सा टैक्स इनकम देगा, है ना, सिंगापुर में आप कौन सा इनकम में टैक्स देगा, जो भी सैलरी मिल रहा है, करेक्ट, तो सैलरी में इनकम टैक्स देगा, बाकी सब इनकम कहाँ टैक्स लगेगा, सिंगापुर का जो सैलरी है वो भी लगेगा इंडिया में, बिकॉज यू आर ए रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, सब इनकम इंडिया में ही टैक्स लगेगा, और प्लस आपका जो भी इनकम मिल रहा है, अदर बिजनेस, जो भी पैसा FD का पैसा, सब चीज़ कहाँ पे लगेगा, उसका ऊपर लगेगा। इसमें तो इन अदर इनकम में तो टैक्स नहीं लगा था, ड्यूअल टैक्सेशन नहीं हुआ है, इस चीज में आपका ड्यूअल टैक्सेशन लग रहा है कि आप बोला हम तो सिंगापुर में टैक्स दे रहे हैं, इंडिया में भी फिर क्यों देगा, उसका वजह से इंडिया ने बोला है कि आप जितना इनकम मिला है आप वो दीजिए और फिर जितना टैक्स पेमेंट किया है उसको माइनस कर दीजिए, उसका बाद हम लोग स्लैब का हिसाब से अगर
देखता है कि और भी टैक्स देना पड़ रहा है आपको, तो टैक्स देना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं देना पड़ेगा। अगर आप एक्सेस टैक्स सिंगापुर में दे दिया है तो यहाँ पे आपको रिफंड मिल जाएगा, ठीक है। वो आपको फाइनल में मिलेगा, इंटरमीडिएट में उतना नहीं मिलेगा, इंटरमीडिएट में आपको कैलकुलेशन खाली मिलेगा, वो भी आपको इंडिविजुअल बेसिस में ही पकड़ना है अभी आप लोग को, ठीक है, हो जाएगा। तो रेसिडेंसी स्टेटस का बाकी अगर आप लोग को ये वाला गूगल डॉक्स आप लोग को देखना है, अगर नहीं देखना है तो ठीक है, लेकिन नेक्स्ट में हम लोग एग्रीकल्चर इनकम में आ जाएंगे। वेबसाइट आपका अगर ग्रुप में अगर आप हैं तो ग्रुप में ऑलरेडी शेयर्ड है, जो नहीं है ना।